यहाँ पर अभी जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है एक्टिविटीज ऑफ माउस। माउस की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, चलिए उसको समझते हैं। माउस के पहले एक्टिविटीज में होती है कि माउस का अपना एक पॉइंटर होता है, जैसे आप यहाँ पर एक तीन नुमा आकृति देख रहे हैं जिसके चारों तरफ येलो कलर है, तो ये येलो कलर वो मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये आपको चारों तरफ येलो कलर भी आपको इसके दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्मली किसी भी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आपको केवल ये तीन नुमा आकृति दिखाई देगी, आपको इसके चारों तरफ ये येलो कलर नहीं दिखाई देगा। तो माउस की एक एक्टिविटीज होती है कि जब भी माउस को मूव करते हैं तो देखिए तीन नुमा आकृति जो पॉइंटर है ये मूव करता है, और किसी भी काम को करने के लिए हमें इस पॉइंटर को उस जगह पर लेकर जाना रहता है। जैसे कि सपोज हम इसके ऊपर लेकर जा रहे हैं तो देखिए ये ऐसा लग रहा है ये सेलेक्ट हो गया है, लेकिन अगर हम कोई क्लिक नहीं कर रहे हैं और अगर इस पॉइंटर को हम यहाँ से हटा दें तो यह सिलेक्शन हट जाता है, ये देखिए हट गया। तो हम जहां पे भी जाएंगे ये पॉइंटर उस चीज को सेलेक्ट करता जाता है, और जैसे जैसे वहां से हटता जाएगा वो सिलेक्शन भी हटता जाएगा। तो इस तरीके से ये जहां पर जाएगा पॉइंटर, तो जब भी हमें जो भी काम करना रहता है तो उस चीज को करने के लिए हमें पॉइंटर को जगह पर लेकर जाना रहता है, तो माउस का एक पॉइंटर होता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि माउस का सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग। माउस का सिंगल क्लिक से सेलेक्ट होता है, डबल क्लिक से ओपन होता है, और ड्रैग से हम एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह लेकर जाते हैं, खींचते हैं। तो ये तीनों काम जो है ना ये माउस के लेफ्ट क्लिक से होता है बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर हमने कोई सेटिंग नहीं बदली है, किसी तरह के माउस की सेटिंग में हमने कोई बदलाव नहीं किया है, तो उस कंडीशन में ये तीनों काम माउस के लेफ्ट क्लिक से होगा। जैसे देखिए अभी हम पॉइंटर को यहां पर लेकर गए, हमने कोई लेफ्ट क्लिक नहीं प्रेस किया माउस से, तो ये देखिए सिलेक्शन हट गया। लेकिन अगर यहां पर जाकर हमने एक बार लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक एक बार अगर हमने कर दिया, मतलब बाएं क्लिक को अगर हमने एक बार क्लिक कर दिया और अब पॉइंटर को हटा दिया, तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। तो जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं वो देखिए वो सिलेक्ट होता जा रहा है, जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं वो सिलेक्ट होता जा रहा है। यहाँ देखिए तो सिंगल क्लिक करके हम उस चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर हमें इसको सेलेक्ट करना हो और साथ में अगर हमको इसको सेलेक्ट करना हो, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हट जाएगा, ये देखिए हट गया। तो हम चाहते हैं कि इसको भी सेलेक्ट करें और इसको भी सेलेक्ट करें, तो मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल दबाते हुए और क्लिक करने से दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने कंट्रोल दबाया और अब क्लिक कर दिया, तो अब देखिए ये दोनों सेलेक्ट हो गया। तो पहली बार तो आप नॉर्मली सिंगल क्लिक से सेलेक्ट कीजिए, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल दबाए रखिए और कंट्रोल दबा के आप जिस पर भी क्लिक करेंगे ये देखिए ये चारों आइकन यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये तो हो गया सेलेक्ट करना। इसके बाद है आपका डबल क्लिक। तो अगर डबल क्लिक करने से वो चीज खुल जाता है, तो किसी भी चीज को खोलने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं, उसके लिए भी माउस के पॉइंटर को उस जगह पर लेकर जाएंगे, वहां पे जाके डबल क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए खुल गया। दिस पीसी आइकन पर हमने क्लिक किया, दिस पीसी ओपन हो गया। यहाँ पर लोकल डीसी पर गए, यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया, ये देखिए लोकल डीसी खुल गया। तो किसी भी चीज को खोलने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए हम पॉइंटर को उस जगह पर ले जाके और डबल क्लिक करते हैं। ड्रैग से क्या होता है कि हम पकड़ के खींचते हैं, तो उसके लिए पॉइंटर को उस जगह पर लेकर जाएंगे और माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़े रहेंगे और फिर मूव करेंगे। जैसे हम किसी चीज को पकड़ के खींचते हैं तो लेफ्ट क्लिक से इसको पकड़ लेंगे, और देखिए ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से कोई एक परछाई निकल के आ रही है। हम इसको जहां रखेंगे, ये देखिए यहां पर रख दिए, इसको उठा के यहां रख दिए, तो जहां मन करे वहां पर हम ड्रैग करके इसको रख सकते हैं। तो ये तीनों काम आपका सिंगल क्लिक, तीनों काम आपका लेफ्ट क्लिक से हो रहा है, माउस के लेफ्ट बटन से ये तीनों काम हो रहा है कि सिंगल क्लिक कर रहे हैं सेलेक्ट कर ले रहे हैं, डबल क्लिक करके खोल ले रहे हैं। और देखिए डबल क्लिक लगातार करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार क्लिक कर लिए फिर छोड़ दिए फिर क्लिक किए, ऐसा नहीं। और ड्रैग करके हम एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हमने इसको डबल क्लिक करके खोल लिया, अब हम इसको भी ड्रैग कर सकते हैं, जहां मन करे वहां पर रख देंगे, ठीक है। ये तीनों काम हमारा माउस के लेफ्ट बटन से होता है। और राइट क्लिक से क्या होता है, तो केवल मेनू खुलता है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए राइट क्लिक किया, यहाँ पे मेनू खुला, यहाँ पर देखिए व्यू ऑप्शन आ रहा है और इसका लिस्ट कुछ ऐसा है। अगर हम किसी, ये खाली जगह पे हमने किया है, अगर हम किसी आइकन पे जाके जैसे दिस पीसी पे जाके राइट क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए इसका इसके अंदर जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो इतने हैं। हम किसी दूसरे आइकन पे जाके राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से हम अगर जिस भी आइकन पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए ये लिस्ट थोड़ा बड़ा हो गया। मेनू हम यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करते हैं, इसका लिस्ट देखिए अलग आ रहा है। तो राइट क्लिक का काम केवल मेनू खोलना है, तो इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए कि
कि अगर आपको मेनू खोलना हो तो आप राइट क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आपको सेलेक्ट करना हो, ओपन करना हो, ड्रैग करना हो, तो आप माउस का लेफ्ट क्लिक से ही कीजिएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको डबल क्लिक करने में दिक्कत होती है, जैसे अगर ये खोलना है डबल क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले राइट क्लिक करके मेनू खोल लेते हैं और अब ओपन को लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने अब लेफ्ट क्लिक किया, ये खुल गया। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनको डबल क्लिक करने में दिक्कत आ रही है तो वो पहले माउस के पॉइंटर को वहां पर लेकर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मेनू खोलते हैं और फिर ओपन को लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये खुल जाता है। तो इस तरीके से आप राइट और लेफ्ट क्लिक का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है इसमें व्हील, व्हील मतलब चक्का। तो माउस के बीचों बीच एक चक्का होता है, उसका यूज होता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई एक नोट्स खोलते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कुछ खोला, इस पर कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं पेज को, लेकिन अगर हम सिंपली वहां से ना करके माउस के व्हील जो बीचों बीच एक चक्का होता है उसको अगर हम ऊपर नीचे करें, तो ये देखिए पेज हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, बिना उधर गए वर्टिकल स्क्रॉल बार पे गए बिना हम पेज को आसानी से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप माउस को यूज करके देखिए, बहुत आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।